और एक अपडेट आपको जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल 6 जून से लागू कर दी है। 1 जून को सिग्नेचर हुए और 6 जून को इन्फोर्समेंट में आई। 1976 में जब इमरजेंसी लगी थी उस समय इसको बाहर किया गया था, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल उत्तर प्रदेश में बंद कर दी गई थी, क्योंकि आंदोलन का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश था। इसलिए उत्तर प्रदेश में एंटीसिपेटरी बेल 1976 से बाहर है और इसकी रिकमेंडेशन 2018 में सरकार ने की, कैबिनेट ने उसको पास किया, गवर्नर को भेजा, गवर्नर ने प्रेसिडेंट को भेजा, प्रेसिडेंट ने उस पर कंसेंट दी, 1 जून को कानून बन गया, 6 जून को वो गजट हो गया और उसी दिन से वो इन्फोर्समेंट में आ गया। अभी तक उत्तर प्रदेश में जिसमें हम एंटीसिपेटरी बेल नहीं दे रहे थे, तो एंटीसिपेटरी बेल की जगह पर क्या चल रहा था, तो एंटीसिपेटरी बेल की जगह हाई कोर्ट में इंडिविजुअली हमको जाना पड़ता था और जाकर वहां पर हम अरेस्ट स्टे मांगते थे। एंटीसिपेटरी बेल का जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि पुलिस का हैरेसमेंट से मुझे बचाया जाए। आई वॉन्ट टू कॉपरेट विद द पुलिस एंड आई विल कॉपरेट ए टू जेड टू द पुलिस, बट पुलिस की जो जातियां हैं उनसे मुझे सेव कर लिया जाए, इसलिए मुझे बेल दे दी जाए और बेल के बाद मैं पुलिस के साथ कॉपरेट करता रहूंगा एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो एंटीसिपेटरी बेल का राइट हाईकोर्ट को है, हाईकोर्ट देता है, और सेम पावर डेलीगेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट को भी है, सेशन कोर्ट भी एंटीसिपेटरी बेल दे देता है और हाईकोर्ट भी एंटीसिपेटरी बेल दे देता है। एंटीसिपेटरी बेल और अरेस्ट स्टे में जो मूल फर्क है वो ये है कि अरेस्ट स्टे के लिए अपने को स्पेसिफिकली कोर्ट को अलग से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। एंटीसिपेटरी बेल एक प्रोविजन है, कोर्ट को उसमें 482 की पावर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। 482 की पावर हाईकोर्ट में होती है सीआरपीसी में, कि हाईकोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इस्तेमाल कर सकता है, रेजिडरी पावर का इस्तेमाल कर सकता है, जहां पर उसको लगे कि यहां पर जस्टिस नहीं हो पा रही या डिले हो रही या समस्याएं हो रही हैं, या उसको लगे कि पुलिस की जातियां हैं, हो रही हैं या हो सकती हैं। इन दिस ऑल सरकमस्टांसेस द कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू ग्रांट टू ऑर्डर फॉर द अरेस्ट स्टे फॉर द अरेस्ट। और ये पहले तो अरेस्ट दिया, बाद में अभी वो देने लगे थे अरेस्ट टिल फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। तो चार्जशीट जब तक फाइल ना हो तब तक अरेस्ट स्टे मुझे दिया जाए, अगर चार्जशीट में नाम है तो फिर गिरफ्तारी की जाए, लेकिन चार्जशीट में नाम नहीं है तो गिरफ्तारी न की जाए, ऐसा अरेस्ट स्टे का ऑर्डर होता था। अभी हम जब अरेस्ट स्टे के लिए जाते थे तो पुलिस मेरे पीछे पड़ी होती थी, जब हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाएंगे तो एंटीसिपेटरी बेल के मामले में भी संभावना है कि पुलिस मुझे हैरेस करे और संभावना है कि मैं केस में इन्वॉल्व हो जाऊं पुलिस के द्वारा, मेरा कुछ ना कुछ इंटरवेंशन है, किंतु मैं निर्दोष हूं। दैट इज व्हाई आई वांट टू कॉपरेट विद द पुलिस इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और मुझे बेल दे दी जाए, मैं कोर्ट और पुलिस दोनों का ही सहयोग करने को तैयार हूं। कोर्ट को अगर लगता है कि व्यक्ति सज्जन है, फर्स्ट टाइम इसने कुछ किया है, इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है, या पुलिस इसको वाकई में हैरेस कर सकती है, इसकी संभावनाएं कुछ अच्छी खराब हो सकती है, इन दीज ऑल सर्कमस्टांसेस आफ्टर कंसीडरिंग दीज सर्कमस्टांसेस द कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू ग्रांट द बेल और दे कैन रिजेक्ट द बेल। तो ये एंटीसिपेटरी बेल का मतलब है, चार्जशीट फाइल होने से पहले, एक्यूज बनने से पहले, या एक्यूज चार्जशीट में नाम अभी आया नहीं, चार्जशीट सबमिट नहीं हुए, या तो उसने एफआईआर में नाम लिख दिया है या फिर किसी के स्टेटमेंट में उसका नाम आ गया और पुलिस उसको पीछे पड़ी हुई है और पुलिस उसे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन हमको लगता है कि पुलिस मेरे साथ ज्यादतियां करेगी, मारपीट करेगी या कुछ गलत कर सकती है, इसलिए मैं कॉपरेट करने को तैयार हूं बट ग्रांट मी द एंटीसिपेटरी बेल। ये एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान था,
अब उत्तर प्रदेश में 6 जून से 6 जून 2019 से लागू हो गया।